गाइस सैमसंग गैलेक्सी A50s A50 का आप ये कह सकते हो हायर वर्जन है, क्योंकि एवरीथिंग सेम, बिल्कुल हर चीज़ उसके अंदर सेम है। डिस्प्ले, बैटरी, फिंगरप्रिंट स्कैनर, हर चीज़ सेम है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ उसके अंदर बदली है, वो है कैमरा डिपार्टमेंट। जी हाँ, कैमरे दोनों ही मोबाइल्स में आपको A50 में भी और A50s में भी आपको ट्रिपल मिल जाते हैं। बस एक कैमरा जो मेन कैमरा है वो बदल दिया है, बाकी जो दोनों कैमरे हैं वो सेम रखे हैं। अल्ट्रा वाइड और डेप्थ सेंसिंग कैमरा 8 और 5 का ही है। उसके बाद अगर हम बात करें मेन कैमरे की, तो जो हमारा फ्रंट वाला कैमरा है वो कर दिया है 32 मेगापिक्सल का, और जो बैक कैमरा है वो कर दिया है 48 मेगापिक्सल का। और आपकी डिस्प्ले साइज 6.4 इंच का सुपर एमोलेड दोनों में ही है। बैटरी आपको 4000 mAh की मिल जाती है। उसके स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, मिलता है इनका अपना एक्जिनोस 9610 जो कि 10 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और यही प्रोसेसर हमारा A50 में भी था, और GPU भी सेम है जी, 72 माली MP3 का। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा भी अपग्रेड इतना नहीं किया है, सिर्फ कैमरे को थोड़ा इम्प्रूव किया है, एनहांस किया है। हम ये बस 25 की जगह वहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों 25 के थे, यहाँ पर जो फ्रंट वाला है वो 32 का कर दिया और बैक जो करा है वो 48 का कर दिया। लेकिन प्राइस जंप जो है स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गई है। वहाँ पर मिलता था आपको 20,000 रुपये का, और यहाँ मिल रहा है आपको 23,000 रुपीज़ का। उस टाइम जब भी मोबाइल आया था A50 फरवरी के टाइम पे, तो उस टाइम मैंने बहुत तारीफ़ की थी इसकी, कहा था कि अच्छा मोबाइल है, सैमसंग के लिहाज से काफ़ी बेटर मोबाइल है। लेकिन उस टाइम आसपास जो प्रोसेसर्स थे वो हैवी नहीं थे। लेकिन अब 23,000 रुपये के प्राइस रेंज की अगर आप बात करें, तो आपको बहुत सारे हैवी प्रोसेसर के साथ मोबाइल मिल जाते हैं। रेडमी का K20 मोबाइल है, इतना शानदार प्रोसेसर आया, उसका 3rd fastest प्रोसेसर है अब तक का स्नैपड्रैगन का, और 9610 उसके सामने फ़िलहाल नहीं टिकता है, आसपास भी नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस समय ये जो इन्होंने उतार चढ़ाव किए हैं इतने काम नहीं करेंगे। A50 बहुत अच्छी लॉन्च थी, लेकिन आपको यहाँ पर एक प्रोसेसर में थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए था। बाकी बहुत अच्छा मोबाइल है, इसके अलावा कहने चाहते कमी तो मोबाइल में कुछ नहीं है। अच्छा परफॉर्म करेगा, बैटरी पे अच्छा परफॉर्म करेगी, प्रोसेसर भी बुरा नहीं है, लेकिन 23,000 के लायक नहीं है मेरे ख्याल से। इस जो फ़ोन है A50s, इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसकी प्राइस 17 to 18 काफ़ी अच्छी रहती। और अगर ये मतलब इवन अगर 19 में भी इसको लॉन्च करते 19,000 में, तब भी ये फ़ोन बुरा नहीं था सैमसंग के लिहाज से। वरना आपको 14-15 हज़ार रुपये में भी फ़ोन काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ मिल जाती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाती है। और सैमसंग की जो ब्रांडिंग है उसको देखते हुए मैं जस्टिफाई कर सकता था 19,000 रुपीज़, लेकिन 23,000 बहुत ज़्यादा है यार। कम से कम मैं ये कहूँगा कम से कम 3,000 रुपये तो एक्स्ट्रा हमारे जेब से जा ही रहे हैं, जबकि सैमसंग की जो इज्जत है, ब्रांडिंग है और उसकी डिस्प्ले सबको लिहाज में रखकर मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट में कर दीजिएगा। बाकी इसके साथ हम रेडमी K20 का एक बहुत जल्द कंपैरिजन लेके आने वाले हैं, आपको जो स्पेसिफिकेशन से कंपैरिजन है वो आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।